इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप सेलर डैश की एक्सटेंशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्टली आपने जाना है गूगल के ऊपर, सेलर डैश लिखना है तो सेलर डैश की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, उसको क्लिक करना और क्रोम डाउनलोड क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद आपने ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है, आपकी एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। सेम आपने क्या करना है, एक्सटेंशन को जाके सर्च करने के बाद यहाँ से आपने पिन भी कर लेना है। पिन कर लिया आपने, जेन आपने जाना है साइनअप पे, साइनअप पे क्लिक करने के बाद आपने साइन इन विद गूगल कर सकते हैं या आप अपना यहाँ पे डाटा ऐड कर सकते हैं। हम साइन इन विद गूगल कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी ईमेल का लॉगिन होना ज़रूरी है। आप एक ईमेल चूज़ करके आप अपना अकाउंट साइन इन कर सकते हैं। जैसे ही आप ईमेल चूज़ करेंगे आपके पास ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। अब क्या करना है, आपने इसको यूज़ कैसे करना है, यूज़ करने के लिए आप दराज पे जाएंगे। दराज पे जाने के बाद आप जिस प्रोडक्ट के डाटा देखना चाह रहे हैं, जिस प्रोडक्ट का आप देखना चाह रहे हैं कि इसके कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं, उस पर जाके ये दराज जहाँ पर आपको लोगो शो हो रहा है सेलर डैश का, इस पर क्लिक किया, इसको अगेन लॉगिन पे क्लिक किया तो आपने ऑलरेडी अगर लॉगिन किया होगा तो ये रीडायरेक्ट कर देगा, अदरवाइज़ आप यहाँ पे अगेन उसी ईमेल के साथ लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन किया हुआ था, रीडायरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपकी बार ओपन हो गई, आप प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके यूनिट सोल्ड, मंथली, 7 डेज, टोटल और उनका रेवन्यूज शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बेसिकली एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इनिशियली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा आप इसके थ्रू मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट हंटिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप दराज पे प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं तो सेलर डैश के थ्रू आप कैसे हंटिंग कर सकते हैं। तो सेलर डैश के थ्रू आप 3 वे में हंट कर सकते हैं, बाय कैटेगरी, बाय कीवर्ड सर्च या स्टोर या सेलर स्कैन कह सकते हैं। तो हम बाय कैटेगरी सबसे पहले देखते हैं। बाय कैटेगरी हम वुमेन फैशन में चले जाते हैं और अनस्टिच या स्टिच कुर्तीज़ पे चले जाते हैं। ये मैं सैंपल एक कोई भी कैटेगरी देख रहा हूँ। सबसे पहले आपने जाना है टॉप सेल्स पे। टॉप सेल पे जाने के बाद आप 4-स्टार रेटिंग का एक फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप सेलर डैश को के ओपन करके आप प्रोडक्ट्स का उसका देख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑल प्रोडक्ट का डाटा लोड हो गया जिसमें आपको शो हो रहा है कि सबसे पहले क्या है, आप इसको कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। कलेक्शन क्या है, बेसिकली आप इस प्रोडक्ट का डाटा डेली रूटीन वाइज अपने डैशबोर्ड पे देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे एक कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं कुर्तीज़ के नाम से। और कुर्तीज़ के नाम से कलेक्शन क्रिएट करने के बाद ये वाली प्रोडक्ट जो है, ये मैं इसको कुर्तीज़ के कैटेगरी में, मेरी कलेक्शन क्रिएट नहीं हुई, मैं अगेन कुर्तीज़, यस हो गई है, तो इसको मैंने कुर्तीज़ की कलेक्शन में ऐड कर लिया, ठीक है, ताकि ये प्रोडक्ट मैं बाद में भी इसको देखना चाहूँ तो मेरे पास स्टैट्स इसके सेव रहें। उसके बाद आपको यहाँ पे इसका कैलकुलेटर यहाँ पे शो हो रहा है, आप अगर इसके अगेंस्ट कोई भी कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं कि आप अगर आपको ये अगर 500 की मिलती है तो कितना प्रॉफिट मार्जिनस होगा, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट कैलकुलेटर वाली वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। उसके बाद आपकी प्रोडक्ट का टाइटल है, आप इस पर क्लिक करके दराज पे इस प्रोडक्ट को देख भी सकते हैं। उसके बाद ये किस ब्रांड की बिक रही है, इसके बाद इसकी प्राइस क्या है, लास्ट 7 डेज के स्टैट्स क्या हैं, कितने यूनिट बिके हैं, लास्ट 30 डेज में कितने यूनिट बिके हैं और टोटल अभी तक कितने यूनिट सोल्ड हो चुके हैं। सेम एज इट इज़ लास्ट 7 डेज में कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, लास्ट 30 डेज में कितना रेवेन्यू जनरेट किया है और अभी तक कितनी इसकी सेल्स हो चुकी है, इसके कितने रिव्यूज़ हैं, कितनी इसके अलावा कितनी रेटिंग है, इसकी सेलर की जो लोकेशन है वो क्या है, ये पाकिस्तान से है या चाइना से है और सेलर का नाम क्या है, ये आपको सामने डाटा शो हो रहा होता है। अब यहाँ पे इंडिविजुअली देख सकते हैं, इसको फ़िल्टर भी देख सकते हैं, प्राइस वाइज भी फ़िल्टर लगा सकते हैं कि लो प्राइस या हाई प्राइस वाले पहले सेलर शो हों आपको। इसके अलावा आप यूनिट वाइज भी लगा सकते हैं कि कौन किस प्रोडक्ट के यूनिट्स लास्ट 7 डेज़ में बिक रहे हैं सबसे ज़्यादा, लास्ट 30 डेज़ में किसकी सेल्स सबसे ज़्यादा है वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं प्राइस का, तो वही प्राइस वाले डाटा शो होगा। यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरे कुर्तीस कीवर्ड, ठीक है, बाय कीवर्ड या बाय कैटेगरी, बाय कैटेगरी। तो ये आपका ये वाला पेज का डाटा एक्सेल फॉर्म में डाउनलोड भी हो जाएगा आपके पास, ठीक है, ये CSV फॉर्म में डाउनलोड भी हो जाएगा। इसके ऊपर ये बता रहा है कि इसकी जो मंथली एवरेज सेल्स थी वो 17 है, इसके ऊपर जो ऑन एवरेज प्राइस रखी गई है वो 1704 है, लेकिन आप जिस कंपेटिटर्स को देख रहे होंगे आपने उस प्राइस को देखना है नॉर्मली, और ऑन एवरेज जो रिव्यूज़ हैं वो 104 रिव्यूज़ हैं, तो ये
पूरे पेज के ऊपर जितने रिव्यूज़ हैं उनको कैलकुलेट करके उसने ऑन एवरेज उसकी एवरेज निकाल ली है, और ऑलमोस्ट सबकी जो रेटिंग है वो 4.5 और 5 के करीब है। और कंपटीशन और डिमांड, ये एक मेजर टॉपिक है। बेसिकली मेजर टॉपिक क्या है, कंपटीशन एक या टू होगा इट्स मीन उसकी डिमांड और कंपटीशन बहुत हाई है। 3 और 4 में ये हो सकता है नेक्स्ट एक्सटेंशन की जो अपडेट है उसमें ये लिखा भी आए कि 6 का मतलब हाई डिमांड लो डिमांड हाई कंपटीशन है, या हाई डिमांड लो कंपटीशन है। इसका मतलब बेसिकली हाई डिमांड लो कंपटीशन है, या मीडियम डिमांड मीडियम कंपटीशन है। तो ये आपके स्कोर इसको कर रहा होगा। 7 का मतलब लो डिमांड लो कंपटीशन है, ठीक है। तो इस तरह से ये नंबरिंग दी गई है, तो ये भी आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे अपने डाटा यूजेज भी देख सकते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ लिस्टिंग रिसर्च, ये जिस तरह से मैंने लिस्ट रिसर्च किया है उसके लिए आपके पास कितनी हिट्स बाकी हैं। नंबर ऑफ मार्केट रिसर्च, ये भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसके लिए कितनी हिट्स बाकी हैं। इसी तरह नंबर ऑफ स्टोर रिसर्च वो क्या है, वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको लिस्ट रिसर्च आपकी समझ आ गई हो। इसको आप बाय कीवर्ड भी अगर सर्च करेंगे कुर्तीज़ फॉर गर्ल्स, तो वो भी स्टैट्स कुछ इस तरह के ही आएंगे। टॉप सेल्स पे चले गए और 4-स्टार रेटिंग पे देख लिया, और यहाँ पे आप इसकी प्रोडक्ट का डाटा देख सकते हैं। तो लिस्ट रिसर्चिंग इसको ही हम कहते हैं। अब आ जाते हैं मार्केट रिसर्च के ऊपर। आप द्रास के मेन पेज पे जाएं, आपके पास जिस तरह से कीवर्ड्स, हम बाय कीवर्ड्स गए और आपके पास बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स हैं, आप कुर्तीज़ बेचना चाह रहे हैं, तो आप कुर्तीज़ फॉर गर्ल्स लिखेंगे यहाँ पे, कुर्ती फॉर गर्ल्स, और सर्च कर देंगे। तो आपको बेसिकली दराज पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ये दराज से खुद ही सारे के सारी उसकी लिस्टिंग और उसकी सर्च में जितना भी डेटा आ रहा होगा वो फेच कर लेगा। यहाँ पे आप फिल्टर सेलर डैश के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं। टॉप सेल्स का कर दिया, आप कौन सी लोकेशन के सेलर्स देख रहे हैं पाकिस्तान के, आप किस रेटिंग को देख रहे हैं, 4 या 4 से ज़्यादा वाली, ठीक है। इसके अलावा फ्री शिपिंग उस कस्टमर ने ऑफर की हो, वो दराज वेरीफाइड मतलब वो FBD सेलर हो, तो हम इसको अभी इस तरह रह देते हैं। मेरी प्राइस है कि मुझे 400 से नीचे वाली कुर्ती नहीं बेचनी, तो मैंने ये भी साथ साथ फ़िल्टर अप्लाई कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास जो डाटा शो होगा वो मेरी जो सर्चिज पे ऊपर मैंने फ़िल्टर अप्लाई किए हैं उसके बाद शो हो रहा होगा कि ये वो प्रोडक्ट है जो मेरे फ़िल्टर पे अप्लाई हो रही है, कि ये इसकी जो प्राइस है वो भी ज़्यादा है। इस तरह मैं कीवर्ड चेंज कर लेता हूँ, कीवर्ड मैं हैंड फ्री फॉर मोबाइल देख लेता हूँ। इस कीवर्ड पे मैं देख लेता हूँ कि भाई क्या आ रहा है इस वक्त रिज़ल्ट। मैं इसको भी क्या किया, अगेन मैंने टॉप सेल्स जो मैंने फ़िल्टर अप्लाई किए हुए थे वो फ़िल्टर सारे के सारे अप्लाई हैं। मैं कोई फ़िल्टर हटाना चाह रहा हूँ जी, मैंने 400 वाला फ़िल्टर हटा दिया, तो अब ये रिज़ल्ट उसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं। अब इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से, पूरे के पूरा जो डाटा आ रहा है आपके पास अब इसको डाउनलोड करके खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। तो ये है हमारा मार्केट रिसर्च। अब इसके बाद आ जाता है बेसिकली जो लास्ट इसका मेन फीचर है वो है स्टोर का। वो स्टोर का आप कैसे देख सकते हैं, जब भी कोई प्रोडक्ट आप देख रहे होंगे तो उसके राइट साइड पे नीचे सोल्ड बाय का आ रहा होता है ऑप्शन, यहाँ पे आप स्टोर पे क्लिक करेंगे और देन उस पर जाके आप सेलर डैश को ओपन करेंगे, स्टोर की इसकी हिट करेंगे, तो देन आपको नज़र आ जाएगा कि ये स्टोर है, इसकी ये रेटिंग है, लास्ट 7 डेज में इसने इतने यूनिट बेचे हैं, इतना इसका रेवेन्यू था लास्ट 7 डेज का, लास्ट मंथली सेल्स लास्ट 30 डेज की सेल्स इतनी है, इतना रेवेन्यू जनरेट किया, और अभी तक ये जितनी भी इसकी प्रोडक्ट लाइव हैं उसी हिसाब से ही उनके इतने यूनिट बेच चुका है, और इसके 51 प्रोडक्ट्स इसने लाइव की हुई हैं और तकरीबन 66,000 यूनिट बेच चुका है, और 63 मिलियन की तकरीबन 6,30,00,000 रुपये की ये सेल कर चुका है ये सेलर, ठीक है। इसकी ऑल प्रोडक्ट को भी देख सकते हैं आप, उसको भी लास्ट 7 डेज वाइज भी आप सोल्ड कर सकते हैं, लास्ट 30 डे वाइज भी सोल्ड कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट इसमें सर्च करना चाहें तो वो भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी ऑल प्रोडक्ट यानी ये वाली प्रोडक्ट लिस्ट को आपको इसको आप एक्सपोर्ट करना चाहें तो वो भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका एक और फीचर है, इसकी ऑल प्रोडक्ट पे जाएं तो अगर इसकी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हुई तो आप 1 by 1 उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज का डाटा भी देख सकते हैं। इस तरह से आप मैक्सिमम निकाल सकते हैं प्रोडक्ट अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए दराज पे। अब आ जाते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। तो कलेक्शन के पेज में बेसिकली आपके पास क्या होगा, आपके पास जितनी भी आपने कलेक्शंस की कैटेगरी बनाई हुई हैं, कलेक्शंस बनाई हुई हैं, वो यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी, और उस कलेक्शन में जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो यहाँ पे आ रहे होंगे आपके पास।
यहाँ पे जो फ्यूचर में आने वाला है इसका पूरा का पूरा ग्राफ होगा ये एक्शन के ऊपर, ठीक है। कलेक्शन यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे अभी ग्राफ पे आपको कोई डाटा शो नहीं हो रहा, तो इसका ग्राफ पूरा का पूरा बन जाएगा कि जब से ये प्रोडक्ट आपने ऐड किया है इसने कोई प्राइस तो नहीं चेंज की, इसके रिव्यूज़ कितने ऐड हुए हैं और इसकी सेल्स में कितना इजाफा हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको फ्यूचर में। इस पर बेसिकली सेलरडैश काम कर रहा है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको बता दिया जाए। इसके अलावा डैशबोर्ड पे आपको सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है वो शो हो रही होंगी इन फ्यूचर। यहाँ पे आपका प्लान, आपने कौन सा प्लान बाय किया हुआ है वो आपको शो हो रहा होगा, आपने 3 मंथ का प्लान लिया हुआ है या 1 मंथ का प्लान लिया हुआ है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, आपने आपकी पेमेंट हिस्ट्री शो हो रही होगी, आपने पास्ट में कौन कौन सा प्लान लिया था। यहाँ पर आप यहाँ से सेटिंग में जाके आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना पासवर्ड अगर आपने जीमेल के थ्रू लॉगिन किया था तो आप बाय ईमेल दोबारा से लॉगिन करना चाह रहे हैं तो आप पासवर्ड भी अपना यहां से एडिट कर सकते हैं। तो ये थी ओवरऑल ओवरव्यू कि आप सेलरडैश को कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसके क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म होते हैं सेलरडैश के ऊपर। इसके रिलेटेड आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप इसके थ्रू टूल को यूज़ करते हुए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को आप फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए आपने स्किल ई-कॉमर्स वाला 2.0 यूट्यूब चैनल है उसका लिंक ऊपर शो हो रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर हम डेली बेस पे नई से नई वीडियोस इस टॉपिक से रेलिवेंट दराज से रेलिवेंट अपलोड कर रहे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो इससे रेलिवेंट, आप #question लिख के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा सेलरडैश की सर्विसेज से रेलिवेंट आपको कोई इशू हो तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन है, आप इस पर क्लिक करके इनकी सपोर्ट टीम से रब्ता कर सकते हैं और उनसे डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।